दोस्तों आज हम लोग ऐसे एक देश के बारे में बात करेंगे जहां शादी करने पर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहां की सरकार ऐसे करते क्यों है। सिर्फ यही नहीं, इस देश में कई ऐसे झरने मौजूद हैं जहां लोगों को नंगा नहाते हुए आप दिख जाएंगे। साल में दोनों महीना जून और जुलाई जहां सूरज अस्त ही नहीं जाता। दो महीना तक लोग सूरज का किरण को इस्तेमाल करके कई बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, गोल्फ का मजा लेते हैं, ये सब ठीक है। पर यहाँ के सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ के लोग कुत्ते बिल्ली के साथ साथ अजगर कछुआ छिपकली को भी पालते हैं। तो कौन सा वो देश है? वो देश है आइसलैंड। आइसलैंड नाम सुनते ही आपके दिमाग में बर्फ से ढका हुआ एक द्वीप की तस्वीर उभर आई होगी। उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित आइसलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश के चप्पे चप्पे पर प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मिलन स्तर पर नॉर्वे देश के करीब है ये देश। आइसलैंड की जीडीपी 24 बिलियन डॉलर और प्रति व्यक्ति आय $67,000 यानी कि 50 लाख रुपए, जो आम भारतीय लोगों से लगभग 50 गुना ज़्यादा। यहाँ की सरकार उस देश की लड़की से शादी करने पर तुरंत सरकारी नौकरी मुहैया कर देते हैं, चाहे वो लड़का दुनिया के किसी कोने का क्यों ना हो। लेकिन वहाँ की सरकार ऐसे करते क्यों है, कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। हाल ही में बर्फ की सुनहरी चादर से ढके आइसलैंड को टूरिस्ट के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया। खूबसूरत ग्लेशियर और वाटरफॉल से सजे ये देश दुनिया भर के हनीमून कपल को अपनी ओर खींचती है। आइसलैंड क्षेत्रफल के लिहाज से यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या केवल 3,64,000। आइसलैंड का राजधानी रेजकाविक में लगभग देश की आधी आबादी बसते हैं। आइसलैंड पहले नॉर्वे और बाद में डेनमार्क के कब्जे में रहा। 17 जून 1944 को आइसलैंड के संविधान की स्थापना हुई और ये डेनमार्क के कब्जे से पूरी तरह से आज़ाद हुआ। हमारे देश में हर किसी का कोई ना कोई सरनेम जरूर होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड में किसी भी व्यक्ति का सरनेम नहीं होता। वहाँ के लोग नाम रखने के लिए नॉर्वेडिक परंपरा का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत पहले बच्चे का नाम, उसके बाद माता या पिता का नाम और फिर उसके नाम में सॉन या डॉटर जोड़ दिया जाता है। नॉर्थ पोल से नज़दीक होने के कारण आइसलैंड में जून और जुलाई में लगातार दो महीना तक सूरज अस्त नहीं जाता, यानी वहाँ लगातार दो महीना तक रात नहीं होता। वहाँ के स्थानीय लोग इन महीनों में गोल्फ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी की भरमार है। यहाँ लगभग हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी जरूर फटता है। आइसलैंड में ज्वालामुखी ही नहीं, बहुत सारे झरने भी हैं। यहाँ ज़्यादातर इलाके बर्फ से ढके हैं, लेकिन ज्वालामुखी के असर से यहाँ बहुत से झरने गर्म पानी वाले हैं। इन झरनों में सालों भर गर्म पानी आता रहता है, जिसके कारण लाखों सैलानी यहाँ के लुत्फ़ उठाने आते हैं। आइसलैंड में लोग नंगा होकर झरने में नहाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके वजह के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ हाइजीन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि वहाँ झरनों में नहाने के लिए लोगों को अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। वहाँ पर लोगों का मानना है कि कपड़ों में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो झरने के पानी में मिलकर दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों एक तरफ जहां दुनिया के दूसरे देश प्रदूषण और कचरे से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं आइसलैंड को हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली देश का दर्जा मिला। यहां लगभग सारा बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के माध्यम से बनते हैं। आइसलैंड के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इन्हें फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के बाद 4th मिला है। खुश मिजाजी के कारण यहाँ अपराध इतने कम है कि पुलिस को गन या दूसरी हथियार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि आइसलैंड के पास अपनी कोई सेना भी नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह यहाँ के लोग में भी एक अंधविश्वास पाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आइसलैंड के कुछ इलाकों में छोटे छोटे कद के जंगली लोग रहते हैं, जिन्हें हल कहा जाता है और उनके पास जादुई शक्ति होती है। आइसलैंड में एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट मिलता है जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस प्रोडक्ट का नाम है स्क्वायर। इस देश में ये बेहद फेमस फूड है। ये दिखने में दही की तरह तो है, लेकिन ये मक्खन से बनता है। इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको आइसलैंड जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में और कहीं ये चीज़ नहीं बिकती है। अक्सर ठंड प्रदेशों में जहां का तापमान शून्य से भी नीचे बना रहता है, वहां के बारे में लोगों की अक्सर यही धारणाएं होती है कि वहां काम बहुत कम होता होगा, लेकिन आइसलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम होती है।
आइसलैंड के लोग आमतौर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं, यानी छुट्टी का अगर छोड़ दिया जाए तो लोग दिन में 7 से 8 घंटे से भी अधिक काम करते हैं। दोस्तों, जहां भारत में ज़्यादातर जगह मच्छर की पीड़ा एक बड़ी समस्या है, वहीं आइसलैंड में किसी कोने में भी आपको मच्छर नहीं दिखेगी। आइसलैंड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कई ज़्यादा है और वहाँ की लोक संख्या की कमी एक बड़ी समस्या है। इसको मिटाने के लिए वहाँ की सरकार उस देश की लड़की से शादी करने वाले लड़के को तुरंत सरकारी नौकरी दे देते हैं। आपको भी अगर आइसलैंड में शादी करना है और अपनी जीवन बिताना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।